मंगलौर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा। ईंट भट्टे की दीवार गिरने से दीवार के नीचे दबे मजदूर, लगभग 6 मजदूरों की मौत की आशंका। ईंट पकाने के लिए ईंट भट्टे समय यह हादसा हुआ। फिलहाल जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू। पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नई टिहरी। वीर बाल दिवस मौके पर टिहरी पहुंचे। तेल साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई टिहरी में पहुंचे थे। देहरादून में स्मैक तस्कर युवती गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने एनआरटीएफ टीम ने गिरफ्तारी की है और युवती बरेली से स्मैक ले जा रही थी। खुद को बताया निजी अस्पताल के इंटर्न नर्स। 96 ग्राम स्मैक बरामद। देहरादून में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। हरिद्वार उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी और कल के लिए घने कोहरे का अलर्ट। लक्ष्य में आया भारी कोहरा। कोहरे ने बढ़ाई आम आदमी की मुसीबत। स्कूली छात्र छात्राओं को ही परेशानी। वाहनों की गति पर कोहरे ने लगाई रोक। वाहन चालक का धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर। वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली राजधानी में कोहरे की दस्तक थम गई। वाहनों की रफ्तार कोहरे की वजह से जीरो हुई विजिबिलिटी। चारों तरफ कोहरे की चादर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। माघ मेला महाकुंभ 2025 के विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। संगम नोट पर गंगाजल आचमन में करेंगे सीएम। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड। यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। हमीरपुर रहा सबसे ठंडा। 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। अलीगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं फेल। सरकारी अस्पतालों में वार्ड में घूमते नजर आए जानवर। सरकारी अस्पतालों में गंदगी और सुविधाएं बेशुमार। कोविड को लेकर कोई तैयारी नहीं। बड़े हादसे के इंतजार में बैठा स्वास्थ्य विभाग। पीलीभीत में दिखा बाघ। बाघ का वीडियो वायरल। टाइगर रिजर्व से निकल कर घर पहुंचा बाघ। के पहुंचने से दहशत का माहौल। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में आवारा कुत्ते ने मचाया आतंक। कुत्ते ने 6 साल के बच्चे को दबोचा। बच्चों का पैर हुआ जख्मी और नगर निगम का कैटल कैचिंग दस्ता हुआ फेल। कासगंज में घने कोहरे के चलते कार और बैलगाड़ी में जोरदार भिड़ंत। बैलगाड़ी सवार युवक की घटनास्थल पर मौत। हादसे के बाद कार छोड़कर कार चालक फरार। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और छोटा हाथी में हुई आमने सामने भिड़ंत। ट्रक ने सवारी में भरे छोटा हाथी को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 8 लोगों की गंभीर रूप से इस हादसे में घायल। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अयोध्या में भगवान रामलला की समर्पित वर्ल्ड कप क्लॉक और 5 साल की कड़ी मेहनत पर बनाई गई ये वर्ल्ड क्लॉक लखनऊ के सब्जी विक्रेता ने बनाई है। 1 साथ 9 देशों का समय बताती है ये घड़ी। भारत सरकार से पेंटिंग कराने के बाद किया गया समर्पित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सड़क के दोनों ओर बनाए गए पत्थर सूर्य स्तंभ। लता मंगेशकर चौक के पास बनाए जा रहे हैं सूर्य स्तंभ।